एसएल 8 की बात कर लेते हैं, जिसमें मुल्तान सुल्तान की लगातार दूसरी कामयाबी। पेशावर जलमी को 56 रन से शिकस्त दे दी। होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान का एक और पार शो। सुल्तान को बैटिंग की दावत मिली तो मोहम्मद रिजवान ने जीत की बुनियाद रखी। 9 चौके एक छक्का। रिजवान ने पीएसएल में 14वीं 50 मुकम्मल की। राइली रोसो ने भी अच्छी फॉर्म का फायदा उठाया, पेशावर के किसी बॉलर को नहीं बख्शा। 36 गेंदों पर 75 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। इख्तितामी लम्हात में डेविड मिलर और पोलार्ड ने बॉलर्स पर हाथ साफ किए। सुल्तान ने रवा सीजन का सबसे बड़ा टोटल 210 रन स्कोर बोर्ड पर सजाया। जवाब में पेशावर के कप्तान बाबर आजम सिर्फ 9 रन पर पवेलियन लौट गए। नौजवान मोहम्मद हारिस और साइम अयूब ने भरपूर मजहमत की। हारिस ने 4 और साइम अयूब ने 3 छक्के लगाए। मैच में पेशावर की गिरफ्त मजबूत थी, मगर हारिस के रनआउट होते ही कहानी पलट गई। मिडिल ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप रहा। एहसानुल्लाह ने अपनी रफ्तार से तीर चलाए। पेशावर जलमी की पूरी टीम 154 रन पर ढेर हो गई। सुल्तान ने मैच 56 रन से जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन मुस्तहकम कर ली।